स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भाई आजकल तो लव मैरिज का जमाना है, कौन करता है अरेंज मैरिज। तो आजकल हमारे पेरेंट्स के बीच हो रहे डिस्कशन से लेकर हमारे फ्रेंड सर्कल में आपको ऐसे स्टेटमेंट्स अक्सर सुनने को मिल जाएंगे। आफ्टर ऑल हमारा देश जहाँ प्रीडोमिनेंटली अरेंज मैरिजेस को ही कंपैरेटिवली ज्यादा सोशली एक्सेप्टेबल माना जाता है, वहीं अभी माना जाने लगा है कि अरेंज मैरिजेस गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल जिस तेजी से भारत में डेटिंग एप्स का यूज बढ़ रहा है उसे देखकर ये समझना मुश्किल नहीं है कि आज के भारतीय युवा अरेंज मैरिजेस के बजाय लव मैरिजेस में बिलीव करते हैं। अब देखिए ना, 2023 में मैकेफी द्वारा पब्लिश रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि देश के 75% लोग डेटिंग एप्स पर अपना और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और शायद इसी के चलते बीते 5 सालों में भारत में टिंडर और बंबल जैसे डेटिंग एप्स के कंबाइंड यूजर्स 20 मिलियन से बढ़कर 2023 में 82 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं। यही कारण है कि अगर हम वर्ल्ड वाइड वेडिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म द नॉट की सोशल डिवीजन वेडिंग वायर इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वे को उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि जहां सर्वे में भाग लेने वाले 68% कपल्स ने 2020 में ये माना था कि उनकी मैरिज एक अरेंज मैरिज थी, वहीं 2023 में किए गए सर्वे में ये आंकड़ा घटकर 44% कर रह गया है। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि भारत के एडवांसिंग डेटिंग कल्चर के बीच इंडियन यूथ द्वारा अरेंज मैरिजेस के बजाय लव मैरिज को ही प्रायोरिटी देना लाजमी है। मगर इस कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले जरा ठहरिए, क्योंकि डेटा के इस हेर फेर में उलझकर हम असलियत से कहीं दूर हैं। क्योंकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर सर्वे और रिपोर्ट्स का या तो सैंपल साइज बेहद कम है या फिर उनके ऑब्जर्वेशंस भारत के कुछ मेट्रो सिटीज तक ही सीमित हैं। अब देखिए ना, वेडिंग वायर इंडिया की रिपोर्ट का सैंपल साइज महज 5,000 है, जो कि मोस्टली दिल्ली तक ही सीमित है। वहीं ये केवल 2020 से लेकर 2023 के बीच का कंपैरिजन ही प्रेजेंट करती है। बल्कि अगर हम इंडियन वेडिंग्स को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो हम पाएंगे कि आज भी इंडियन यूथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह ही शादियां कर रहा है। जहां 2018 में देश भर के 1,60,000 हाउस होल्ड्स में किए गए एक सर्वे में ये बात सामने आई कि देश में लव मैरिजेस का आंकड़ा केवल 3% है। ऐसे में अगर मान भी लिया जाए कि बीते कुछ सालों में लव मैरिजेस का ग्राफ ऊपर गया है तो भी इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आज भी देश में होने वाली ज्यादातर वेडिंग्स अरेंज्ड ही हैं। बल्कि अगर हम इस आंकड़े को ईयर वाइज सैंपल से कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि जहां 20 से 30 साल के यूथ के बीच अरेंज मैरिजेस के चलन 90% के आसपास है, वहीं उनके ग्रैंड पेरेंट्स यानी 70 से 90 ईयर्स की एज के बीच की जनरेशन के बीच यह आंकड़ा 94% ही था। यानी दो जनरेशन बीत जाने के बाद भी देश में अरेंज मैरिजेस को लेकर प्रेफरेंसेस जस के तस बनी हुई हैं। बल्कि कुछ न्यूज रिपोर्ट्स तो ये तक बताती हैं कि बीते कुछ सालों में बेंगलुरु जैसे देश के मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन और एडवांस मेट्रोज में भी यूथ के बीच अरेंज मैरिजेस का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आज के टिंडर बम्बल हिंज जैसे एप्स के राइजिंग कल्चर के बीच भी भारत में अरेंज मैरिजेस का प्रेवलेंस इतना ज्यादा क्यों है। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई अरेंज मैरिजेस आर सो प्रेवलेंट इन इंडिया। दोस्तों आज की वीडियो की इम्पोर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 के इंडियन सोसाइटी के सेक्शन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों भारत में अरेंज मैरिजेस के प्रेवलेंस का सबसे प्राइम फैक्टर हमारे देश का प्रेवलेंट कास्ट फैक्टर है, जहां आज भी मैरिज जैसे सोशल रिलेशंस फॉर्म करने के पहले कास्ट को कंसीडर किया जाता है। उदाहरण के लिए 2014 में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा कराए गए इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे में ये बात सामने आई है कि देश के अर्बन और रूरल दोनों एरिया में मिलाकर केवल 5% मैरिजेस ही इंटरकास्ट थी, जो आंकड़ा 1970 से लेकर 2015 तक पिछले 4.5 डिकेड्स में भी लगभग इसी प्रोपोर्शन के आसपास स्थिर है। 2014 में देश के 70,000 लोगों पर हुए एक सर्वे के अनुसार देश के अर्बन एरियाज में रहने वाले 10% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली या रिलेटिव्स में से किसी ने कास्ट के बाहर शादियां की हों। वहीं इस सर्वे में फैमिली या रिलेटिव्स में किसी की इंटर रिलीजन मैरिजेस होने का यह आंकड़ा 5% से भी कम था। हालांकि ऑनलाइन मैट्रिमनी वेबसाइट भारत मैट्रिमनी द्वारा प्रेजेंटेड रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार इंडियन यूथ के बीच इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर ओपननेस बढ़ी है और वो इसके लिए विलिंगनेस भी शो करते हैं। मगर 2015 में हुई एक रिसर्च ये बात बताती है कि जहां एक ओर देश की यंगर जनरेशन अपने कास्ट या रिलीजन से बाहर शादी करने को लेकर इच्छा या विलिंगनेस शो करते हैं, मगर एक्चुअल डिसीजन लेने के समय वो भी कास्ट को ही प्रायोरिटी देते हैं, जो उनके स्टेटेड प्रेफरेंस और रिवील्ड प्रेफरेंस के बीच डिफरेंस शो करता है। इस रिसर्च में रिसर्चर्स ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के थ्रू
1000 प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स को कॉन्टैक्ट किया, जहां उनमें से लगभग आधी ब्राइड्स ने अपनी कास्ट से बाहर के पोटेंशियल पार्टनर्स में इंटरेस्ट को एक्सप्रेस किया, मगर एक्चुअल सिलेक्शन के समय उनमें से लगभग सभी ने अपने कास्ट के ग्रूम को ही सिलेक्ट किया। हालांकि इस चॉइस के पीछे एक बड़ा कारण यूथ के माइंडसेट की कंडीशनिंग भी हो सकती है, जहां अपनी फैमिली की चॉइसेस को समझते हुए इंडियन यूथ इंटरकास्ट मैरिज जैसे सोशली रेबेलियस कंसीडर किए जाने वाले प्रैक्टिस को करने से बचते हैं। हालांकि इस बात को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश के कई हिस्सों में लव मैरिज एक सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म भी है, मगर फिर भी कुछ कास्ट के बीच ये रीजन्स में इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर सख्त रवैये से तो हम सब भलीभांति परिचित हैं, जो हमें इंटरफेथ मैरिजेस में भी देखने को मिलती है, जिसे आज भी इंडियन सोसाइटी में एक सोशल टैबू तो माना जाता ही है, बल्कि इंडियन लॉ और गवर्नमेंट के लिए भी ये एक ग्रे एरिया है। ऐसे में कुछ हद तक अर्बन रिच हाउसहोल्ड्स को छोड़कर देश में इंटरकास्ट और इंटरफेथ मैरिजेस के सोशली ग्रे स्टेटस की वजह से आज भी लव मैरिजेस के बजाय अरेंज मैरिजेस ही एक प्रेवलेंट सोशल प्रैक्टिस है, जहां कभी फैमिली के प्रेशर या चार लोग क्या कहेंगे कि सोशल प्रेशर की वजह से इंडियन यूथ कभी इमोशनल प्रेशर में तो कभी रिस्क अवर्जन के लिए खुद ही अरेंज मैरिज की ओर रुख कर लेता है। मगर दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन सोसाइटी ही देश में अरेंज मैरिजेस की प्रैक्टिस को सस्टेन कर रही है, बल्कि इसके बहुत से कॉम्प्लिकेटेड रीजंस और भी हैं। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि रिसेंट टाइम्स में देश में ऑनलाइन डेटिंग और डेटिंग एप्स को लेकर ओपननेस और एक्सेप्टेबिलिटी में तेजी से इजाफा हुआ है। यही नहीं, ये यूथ के बीच पॉपुलर होता डेटिंग कल्चर ही है कि एक समय तक मेट्रोज तक सीमित रहने वाले डेटिंग एप्स और कैफे कल्चर आज स्मॉल टाउन्स तक पहुंच चुके हैं। मगर जब मैरिज का क्वेश्चन आता है तो चीजें थोड़ी बदली बदली नजर आती हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडियन सोसाइटी में मैरिज को एक इंडिविजुअल अफेयर नहीं बल्कि दो डिफरेंट फैमिलीज के यूनियन के तौर पर देखा जाता है। जहां एक मैरिज का मतलब केवल एक ब्राइड और ग्रूम का म्यूचुअल यूनियन नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज का इंटर रिलेशन है, जहां एक शादी के पहले ब्राइड का ग्रूम की फैमिली से और ग्रूम का ब्राइड की फैमिली से आपसी तालमेल बिठाने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से ये कोशिश की जाती है कि न केवल लड़का और लड़की के बीच दोनों फ्यूचर लाइफ पार्टनर्स में बल्कि दोनों फैमिलीज के सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स और कल्चर्स में भी एक कॉम्पेटेबिलिटी एग्जिस्ट करती हो, जिससे दोनों फैमिलीज का म्यूचुअल रिलेशन सही रहे। मैरिजेस पे इस बात पर जोर इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि जहां डेटिंग या लव रिलेशनशिप को एक परसीव्ड टेम्पररी स्टेटस के रूप में देखा जाता है, वहीं इंडियन सोसाइटी में मैरिज को एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप के रूप में देखा जाता है। हालांकि इस फैक्ट को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, बट कुछ रिसर्चेस ये बात सामने रखती हैं कि मैरिज जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन में अक्सर यंगस्टर्स अपने पेरेंट्स के ओपिनियन को भी प्रायोरिटी देना चाहते हैं। उनका मानना है कि उनके पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जेक्टिविटी की वजह से उनके फ्यूचर पार्टनर या उसकी फैमिली के बारे में कंपैरेटिवली बेटर इनसाइट दे सकते हैं। यही कारण है कि आज भी शादी के लिए एक लड़के या लड़की को सिलेक्ट करना केवल इंडिविजुअल पर नहीं बल्कि मोर और लेस पूरी फैमिली के ओपिनियन पर डिपेंड करता है। इसके चलते आज इंडियन सोसाइटी में डेटिंग भले ही न्यू एज्ड हो गई हो, लेकिन मैरिजेस अभी भी पुराने ट्रैक्स पर ही की जा रही हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों है। दोस्तों, ये बात सही है कि भारत में अरेंज मैरिजेस की परंपरा सदियों पुरानी है, जहां हमेशा से इंडियन पेरेंट्स अपनी कास्ट और कम्युनिटी को ध्यान में रखकर और अपने वेल्थ और रिसोर्सेज अपनी ही कास्ट या कम्युनिटी में कंस्ट्रेंड रखने के नजरिए से अपने बच्चों की मैरिजेस अरेंज कराते रहे हैं। लेकिन बीते 1 से 2 दशक में इस परंपरा में तेजी से बदलाव आया है, जहां अरेंज मैरिजेस करवाने की परंपरा भी समय और टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व हो रही है। अब देखिए ना, एक समय में अरेंज मैरिज को फिक्स करने का काम लोकल कम्युनिटी के रिस्पेक्टफुल मेंबर्स, रिश्तेदार या इसी काम में महारत रखने वाले पंडित किया करते थे, जिनका काम मैरिज में इंटरेस्टेड दो फैमिलीज के बीच कनेक्शन करवाना और अरेंज मैरिजेस की पूरी प्रोसेस में एक मीडिएटर का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना था। मगर आज अरेंज मैरिजेस की पूरी प्रोसेस भी इवॉल्व होकर टेक इनेबल्ड हो रही है, जहां किसी भी दूसरे डेटिंग ऐप की तरह मैरिजेस के लिए स्पेसिफिक ऐप्स का सहारा लिया जाने लगा है, बल्कि इन मैट्रिमनी ऐप्स के फिल्टर्स और फील्ड्स किसी भी दूसरे एग्जिस्टिंग डेटिंग ऐप से भी कहीं ज्यादा स्पेसिफिक है। इसके चलते प्रोस्पेक्टिव ब्राइड या ग्रूम को ढूंढते समय केवल फोटोग्राफ्स में दिख रहे फिजिकल फीचर्स नहीं बल्कि उनकी जॉब, एजुकेशन, जॉब लोकेशन, सैलरी, सोशल बैकग्राउंड, फैमिली इत्यादि से लेकर कास्ट और कम्युनिटी भी हैंडपिक की जा सकती है। यहाँ तक कि होरोस्कोप में बिलीव करने वाले इंडिविजुअल्स अपने पार्टनर्स के लिए होरोस्कोप रिलेटेड फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, बल्कि आजकल अरेंज मैरिजेस के लिए इनिशियल प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स या ग्रूम्स को सिलेक्ट करने का काम भी लड़का और लड़की खुद ही करते हैं, जहां वो अपनी पसंद से सिलेक्ट किए हुए प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स के डिटेल्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं और उनसे अपने मैरिजेस
ट्रेडिशनल लाइंस पर अरेंज करवाते हैं। ऐसे में आज के अरेंज मैरिज पुराने जमाने की फोर्स मैरिजेस से एकदम अलग है, जहां आज की जनरेशन बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड की तरह आज एक मिडिल ग्राउंड निकाल रही है, जिसमें लव मैरिज की तरह ही अपने फ्यूचर पार्टनर को एक्सप्लोर करने और उससे कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट करने की आजादी भी है, और ट्रेडिशनल लाइंस में ट्रेडिशनल फिल्टर और फैमिली के एक्सट्रीम स्क्रूटनी का भरोसा भी। यही कारण है कि आजकल सो कॉल्ड लव कम अरेंज मैरिजेस या सेमी अरेंज मैरिजेस का ट्रेंड भी तेजी से पॉपुलर हो रहा है, जिसमें ऑनलाइन डेटिंग एप्स जैसी इंडिपेंडेंस भी है और फैमिली के अकॉर्डिंग अरेंज मैरिजेस का ट्रेडिशनल फ्लो भी। यहां तक कि 2019 में यूएन द्वारा रिलीज रिपोर्ट प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड्स वेमेन 2019-20 फैमिलीज इन अ चेंजिंग वर्ल्ड में ये बात सामने आती है कि देश में सभी अरेंज मैरिजेस यहाँ की ट्रेडिशनल अरेंज मैरिजेस को तेजी से रिप्लेस कर रही हैं। ऐसे में देश में होने वाले अरेंज मैरिजेस और इंडिविजुअल्स द्वारा खुद की जाने वाली मैरिज ऑफ चॉइस के बीच का डिफरेंस भी तेजी से घटता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, उसके अलावा एक कारण और भी है जिसकी वजह से आज भी इंडियन पेरेंट्स और यहाँ तक की यंगर जनरेशन भी अरेंज मैरिजेस का रुख कर रही है। दोस्तों, हालांकि ये बात सही है कि कभी कभी एक बुरी या अनहैप्पी मैरिज से निकलने के लिए डिवोर्स जैसे स्टेप लेना जरूरी हो जाता है। आफ्टर ऑल, ऐसे रिलेशनशिप में फंसे रहने का क्या मतलब जहां आप खुश ना हो। ऐसे में डिवोर्स लेना एक पर्सन का लीगल राइट भी है और एट द टाइम्स नीड भी, जिसके लिए किसी को जज करना एक रॉन्ग परसेप्शन है। मगर ये बात भी सही है कि हमारे समाज में डिवोर्स को अक्सर बैड लाइट में देखा जाता है। यही नहीं, जब भी कोई मैरिज जैसे एक नए और आइडियली लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में एंटर करता है तो वो भी यही चाहता है कि इसमें डिवोर्स जैसी नौबत ना आए, और यही बात अरेंज मैरिजेस के फेवर में जाती है। जी हाँ, ये बात सही है कि अरेंज या लव मैरिज के टास्क से उस रिलेशनशिप की क्वालिटी को जज नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टैटिस्टिक्स यही बताते हैं कि देश में अरेंज मैरिजेस में डिवोर्स रेट लव मैरिज के कंपैरिजन में बेहद कम है, बल्कि 1% डिवोर्स रेट के साथ दुनिया के बाकी सभी देशों के कंपैरिजन में भारत में ही सबसे कम डिवोर्स होते हैं, जिसके पीछे यहाँ के अरेंज मैरिजेस सेटअप को ही एक बड़ा कारण माना जाता है। जबकि इसके उलट इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट करते हुए ये कहा कि भारत में बढ़ते डिवोर्स रेट के पीछे यहाँ लव मैरिजेस का बढ़ता चलन ही है। हालांकि लव मैरिजेस को इस तरह नेगेटिव लाइट में प्रेजेंट करना गलत होगा, साथ ही भारत के लो डिवोर्स रेट को यहाँ के कॉम्प्लेक्स डिवोर्स प्रोसेस ये लीगल हैसल से भी जोड़कर देखा जा सकता है। मगर फिर भी आमतौर पर ये माना जाता है कि अरेंज मैरिजेस रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी के अकॉर्डिंग बेटर है, जहां एक शादी को सस्टेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल इंडिविजुअल कपल पर नहीं बल्कि पूरी फैमिली पर होती है, जो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के बीच भी मैरिड कपल के रिश्ते को मजबूत बनाने रखने की कोशिश करते हैं। अरेंज मैरिजेस के इस परसीव्ड और सब्जेक्टिव बेटर सक्सेस रेट की वजह से ही भारत से बाहर रह रहे इंडियन एक्सपैट्स भी अरेंज मैरिजेस का रुख कर रहे हैं, जहां उनका मानना है कि फॉरेन सॉइल में भी अपने कल्चर को प्रिजर्व रखने और नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचने के साथ साथ आज के कॉम्प्लेक्स टाइम्स में पार्टनर के साथ साथ फैमिली की रिक्वायर्ड सपोर्ट के लिहाज से फैमिली को ऑनबोर्ड लेकर की गई अरेंज मैरिजेस एक बेटर ऑप्शन है। जबकि उनका मानना है कि लव मैरिज में डिफरेंट कम्युनिटीज से आने वाले पार्टनर्स के लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। खैर दोस्तों, अब लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या बेटर है, इसको आंकड़ों के बेसिस पर साबित नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं एक बहुत इंडिविजुअल डिसीजन है। लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आने वाले वक्त में एज अ यूथ आप क्या प्रेफर करेंगे, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, और दोनों के क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हो सकते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक मैरिज एज अ सैक्रमेंट is losing its value in modern India? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope aapko video pasand aayi hogi. Aur agar pasand aayi hai, to apne doston ke saath share karna mat bhuliyega. Milte hain agle video mein. Tab tak ke liye, Jai Hind, Jai Bharat. Study IQ IAS. Ab tayari hui affordable.